नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान समय में भारतवर्ष चुनाव से गुजर रहा है और आज रायबरेली में भी चुनाव हो गए हैं। और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी इस बार क्या कुछ करिश्मा कांग्रेस के लिए कर पाएंगे। तो आज हमने राहुल गांधी की पत्रिका देखी है और उसके अनुसार हम आपको कुछ चौंकाने वाले तथ्य बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि हम प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की ही बात करते हैं और आज क्योंकि जो कुंडली हमारे पास भारतीय विद्वान के द्वारा आई है या जो हमने पढ़ी है, उस कुंडली के माध्यम से राहुल गांधी जी की पत्रिका को देखकर हम ही एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे क्या होगा राहुल गांधी का। क्या राहुल गांधी अपनी दोनों सीटें जो कि केरल में वायनाड से है और उत्तर प्रदेश में रायबरेली से है, आप सब जानते हैं पिछली बार अमेठी से वो पूरी तरह से हारे थे। इस बार देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या उनकी कुंडली बता रही है या क्या वो कांग्रेस को फिर से कुछ जान डाल पाएंगे या कांग्रेस को कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि हमने अपनी कुमार गणेश जी की पोस्ट में ये बताया था कि कांग्रेस पहले से तो बेहतर करेगी, ये तो नजर आता है, लेकिन राहुल गांधी जी का क्या होगा वो हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम उनकी कुंडली के द्वारा एनालिसिस करेंगे कि उनकी कुंडली क्या बता रही है। एक अजीब सा एक माहौल नजर आया है कुंडली को देखते हुए और ये देखा जा रहा है कि शायद राहुल गांधी अपनी हार के कारण देश छोड़कर जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों के लिए वो विदेश भी जा सकते हैं और हो सकता है वो वापस ना भी आए, ऐसा प्रतीत हमें उनकी कुंडली देखकर होता है जो कुंडली हमारे पास है। हालांकि इस पे कुछ लोग विरोध भी करेंगे, लेकिन मेरा अपना एनालिसिस है और यहां मैं अपना आपको बता दूं कि ये पूर्ण रूप से हमारा एक ज्योतिष आंकलन है जो गलत भी हो सकता है, लेकिन जो कुंडली देखकर हमें पता चल रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए आपको उनकी कुंडली दिखाते हैं और कुंडली पर चर्चा करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास जो कुंडली है राहुल गांधी जी की आई है और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंडली क्या क्या बता रही है। यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो डिटेल हमारे पास जो आई हुई है, जो भारतीय विद्यावन से हमारे पास आई है या जो हमने देखी है या जो हमने पढ़ी है, वो डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। डिटेल जो हमारे पास आई है वो आप देख रहे हैं 19 जून 1970, 10:47 दिल्ली का उनका जन्म है। अब कुछ लोग जन्म के लिए कुछ अलग अलग भी बोल सकते हैं, लेकिन वहां मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भारतीय विद्यावान के द्वारा कुंडली प्रेषित हुई है या जो हमने पढ़ी है, मैं उस कुंडली की बात कर रहा हूं। ये सिंह लग्न की पत्रिका आती है और इसमें काफी सारे इवेंट्स, लगभग 12 इवेंट्स हमने इस कुंडली के द्वारा उनके सेटिस्फाई किए हैं और वो लगते भी हैं। अगर किसी दिन मौका मिला तो मैं आपको उसको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज ताकि हमारी पोस्ट ज्यादा बड़ी ना हो जाए तो हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान दशा उनके लिए क्या बता रही है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं दोस्तों, सिंह लग्न की पत्रिका हमारे पास आई है, समय संशोधन किया गया है, प्लस यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि इस कुंडली से उनके जीवन की सारी घटनाएं सत्यापित की गई हैं। फिर भी यदि किसी विद्वान को कोई शंका समाधान हो तो वो हमसे बात कर सकता है, लेकिन जो कुंडली हमने पढ़ी है या जो हमने भारतीय विद्वान में देखी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंह लग्न की पत्रिका उनको बिल्कुल सेटिस्फाई करती नजर आई है। हो सकता है ये पत्रिका गलत हो, लेकिन जो इस कुंडली ने हमें बताया है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि सिंह लग्न की पत्रिका में वर्तमान दशा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वर्तमान दशा राहु की चल रही है, जिसमें 2020 से 2038 तक यानी कि 18 साल राहु की महादशा चलेगी। उसमें गुरु का अंतर, उससे आगे चलें तो शुक्र का पर्यंतर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर मैंने तीन दशाएं इसलिए आपको बताई हैं कि अधिकतर जो ज्योतिष विद्वान होते हैं वो दशा, अंतर दशा और पर्यंतर दशा का ही प्रयोग करते हैं। हालांकि मैंने जिस दिन इलेक्शन हो रहा है या इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं वहां तक की भी डिटेल्स निकाली है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहां तक की ही डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं राहु में, गुरु में शुक्र को अगर मैं देख रहा हूं तो राहु सप्तम भाव में है जो कि 18 साल सप्तम भाव से संबंधित रहेंगे, ये सब आप जानते ही हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में राहु का गोचर आपका कैसा है आप सब जानते ही हैं, उस विषय में बात करना बेकार है। आगे चलें, गुरु की बात करें तो गुरु को आप देखें वक्री अवस्था में, वो चतुर्थ भाव से द्वादश यानी कि तीसरे भाव में गए हुए हैं, यानी कि ज्यादातर समय उनका इस दौरान जो कि आप देख रहे हैं 22 फरवरी 2023 से 20 जुलाई 2025 के बीच अधिकतर समय दिल्ली से बाहर यानी जन्म स्थान से दूर उनका होने का बताता है और स्थान परिवर्तन का भी बताता है, यानी कि उनका मकान मकान बदला जाएगा ये भी बताता है। और आपको याद होगा इस दौरान उन्होंने मकान भी बदला था। अब आगे चले तो उसमें आता है शुक्र, और शुक्र को अगर आप देखें तो क्लियर कट 12वें भाव में दसम भाव का स्वामी होकर बैठा है, यानी कि उनके कर्मों का व्यय हो रहा है, यानी वो जितनी मेहनत करेंगे उसका रिटर्न उनको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और 12वां भाव आप जानते हैं विदेश का भी है, तो इस वजह से हमने ये पोस्ट ली कि हमें लग रहा है कि इस दौरान
यानी कि 28 अप्रैल 24 से लेकर 29 सितंबर 2024 के बीच राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ता नजर आता है। आश्चर्य नहीं होगा, रायबरेली तो संभवतः वो हारेंगे हारेंगे, हो सकता है वायनाड में भी बड़ी मुश्किल से ही अपनी सीट बचा पाएं या संभवतः हार भी जाएं, और इस दौरान उनके विदेश जाने के योग प्रबल बनते हैं। तो इसीलिए हमने शीर्षक दिया कि हार के कारण ये जो है देश छोड़कर जा सकते हैं, कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन विदेश योग इनका बनता नजर आया है, तो इसलिए मैंने ये पोस्ट बनाने की कोशिश की। हो सकता है काफी समय तक ये ना भी लौटे, एटलीस्ट सितंबर तक तो ये दशा पता ही रही है। यहां मैं आपको बता दूं, मैंने अन्य दशाएं भी देखी हैं, लेकिन समय अभाव के कारण मैं आपको वो दशाएं नहीं बताऊंगा। मेरा यहाँ पर सीधा एक आंकलन है कि इस दौरान राहुल गांधी जी की हार की संभावनाएं ज्यादा नजर आती हैं, यानी कर्मों का व्यय हो रहा है, प्लस उनका विदेश जाने का योग भी बनता दिख रहा है। इस वजह से मैंने शीर्षक दिया है कि हार के कारण देश छोड़कर जा सकते हैं राहुल गांधी। अब ये कितना सही होगा कितना गलत होगा वो तो भविष्य बताएगा। यहां मैं एक बार और स्पष्ट कर दूं, ये कुंडली जो हमारे पास है ये भारतीय विद्यावन के डेटा से हमने ली हुई है, इस पे ही हमने काम किया हुआ और इसको हमने पढ़ा हुआ भी है। कतिपय कुछ विवाह उनका मकर लग्न और तुला लग्न भी बताते हैं, उनके अपने अपने एनालिसिस हो सकते हैं, लेकिन 12 घटनाएं जीवन की इस कुंडली से 100% लागू होती है। किसी दिन भविष्य में मौका मिला तो हम इसकी इस कुंडली के द्वारा उनके जीवन के सारी की सारी 12 घटनाओं को आपको बताने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए मेरा पोस्ट आपके लिए इतना ही है कि क्या हार के कारण राहुल गांधी देश छोड़कर जा सकते हैं, तो संभवतः पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं, जो कि 28 अप्रैल से लेकर 25 सितंबर 2024 के मध्य नजर आता है। और आपको पता है कि वर्तमान समय में इलेक्शन चल रहे हैं, अंतिम जो 1 तारीख को होगा उसके बाद 4 तारीख को संभवतः रिजल्ट आएंगे, और उससे पहले पहले मुझे लगता है कि इनको ये पता चल चुका होगा कि ये बुरी तरह से हार रहे हैं। लेकिन यहां मैं बता दूं, कांग्रेस फिर भी गेन करती हुई नजर आती है और ये देश से दूर जा सकते हैं। इस समय इनके विदेश योग प्रबलता से बने हैं, जैसे कि हमें कुंडली यहाँ पर दिखा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, हमने नवांश और दशमांश कुंडली को भी अध्ययन किया है और हमें लगता है कि ये कुंडली काफी हद तक उनकी सही है, और ये हो सकता है गलत भी हो, लेकिन अगर मैं इस कुंडली की बात कर रहा हूँ जो कि उनको पूरी 12 घटनाओं के साथ सत्यापित करती है, ये स्पष्ट नजर आता है कि इस दौरान ये विदेश चले जाएंगे या हार का सामना नहीं करेंगे। वर्तमान समय में ये दिल्ली से दूर ही रहने वाले हैं, इस प्रकार का कुछ नजर आता है। हालांकि कांग्रेस पहले के मुकाबले थोड़ा सा गेन अवश्य ही करेगी, क्योंकि कांग्रेस की पत्रिका ऐसा बता रही है। तो दोस्तों आज के लिए हमारा प्रयास आपके लिए इतना सा ही है, आपको हमारी पोस्ट कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी का इस समय समय खराब चल रहा है और उनके विदेश जाने के बन गए हैं। हार के कारण संभवतः या तो दोनों जगह से हारेंगे या कम से कम एक जगह से तो जरूर ही हारते हुए हमें नजर आ रहे हैं। आपको हमारी ये पोस्ट कैसी लगी है कृपया करके हमें बताइएगा, और अगर आप कुछ अन्य जानकारी चुनाव के संबंध में चाहते हैं तो हमें अवश्य ही बताइएगा। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।